पीछे हो पीछे दोनों है दोनों मीडिया के तमाम मीडिया हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया के तमाम नुमाइंदगान जो आज इस्तकबाल के मौके पर मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके लिए हमेशा इस अजीम कॉज का साथ देने पर दुआगो रहता हूँ। आज फिर दुआ करता हूँ और अपनी मोहब्बतों में उन्हें शामिल करता हूँ। हजारों कारकुन और तहरीक के कायदीन और कारकुन जिनमें बुजुर्ग जवान बच्चे माएँ बहनें बेटियाँ कसीर तदाद में हद निगाह तक यहाँ एयरपोर्ट के पिंडाल में और दूर बसों की छतों पर जहाँ तक मेरी निगाह जाती है मैं देख रहा हूँ और ये काफिला गाड़ियों का माल रोड पर रवाना होगा। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी मोहब्बत की बहुत बड़ी तादाद मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ इस तरह ये पीछे हटे जिस तरह आई है उनके लिए बेटे पीछे उन्हें अपना प्यार अपनी दुआएं हमेशा देता हूँ और आज भी देता हूँ और उम्र भर देता रहूँगा। आज सवाल करने में देखिए मैं अप्रैल के एंड में कनाडा से आया था अप्रैल के एंड में और अभी तक मैं कनाडा वापस नहीं गया। अप्रैल के एंड मई जून जुलाई और अगस्त ये चौथा महीना जा रहा है मैं कनाडा वापस नहीं गया। ये बात मैंने इसलिए कही और आगाज इस जुमले से इसलिए किया कि कनाडा जाना आना मेरी मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान मेरा घर है मेरा वतन है मेरी जमीन है। यहाँ मेरे कारकुनों का खून बहा है यहाँ मेरे कारकुन शहीद हुए हैं यहाँ मेरे कारकुनों की लाशें गिरी हैं यहाँ 100 के करीब मेरे कारकुनों के जिस्म गोलियों से भूने गए हैं। मेरी अपनी तरजीह उन कारकुनों के लिए इंसाफ और किसास का उसूल है जो इंशाअल्लाह हम लेकर रहेंगे। झूठे मुकदमात बने सियासी झूठे मुकदमात याद रख लें अल्लाह की बारगाह में हमेशा इंसाफ होता है और वहां मुआवजा होता है जालिम और जाबिर पर मगर अल्लाह के अम्र में देर हो सकती है वक्त का फैसला अल्लाह की जात खुद करती है अंधेर नहीं होता। लगता है पनामा लीक के मैटर में नवाज शरीफ साहब का पकड़ा जाना और इनकी पूरी फैमिली का पकड़ा जाना ये मॉडल टाउन के शहीदों के खून का इंतकाम उतर रहा है आसमान बेशक वरना सच बात है मैंने बीसियों मर्तबा कहा था और जब मैं पिछले दिनों यहां था रमजान मुबारक के बाद भी तब भी मैं कहता रहा मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि इनके इक्तदार में होते हुए कोई इदारा इतनी जुर्रत हिम्मत और ताकत रखता है कि बेबाकी के साथ हक की तहकीकात करे और हक का फैसला दे सके। ये सारा फैसला मेरे अंदाजे के खिलाफ आया लगता है कि पाकिस्तानियों पर अल्लाह की मदद और नुसरत का नुज़ूल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हक अदा किया है और इंसाफ का रास्ता खोलने के लिए तारीखी कदम उठाया है। इसके नतीजे में हमें लगता है कि मॉडल टाउन के शहीदों को भी और उन शहीदों के वारसों को भी और उन मजलूमों को भी उन जख्मियों को भी और बेगुनाह कैदियों को भी अब इंसाफ मिलने के इम्कान रोशन हो गए। मैं आइंदा लायामल का ऐलान
तो माल रोड पर पहुंचकर इंशाअल्लाह ताला नाबाद के इज्तिमे में करूंगा, जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा भी शरीक होंगे। नासिर बाग में ऐलान करूंगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं फिर सैल्यूट करता हूं उन शहीदों के गरीब वारसों को, उन शहीदों के वालिदैन को, उन शहीदों की बीवियों और बच्चों को, और उन शहीद खवातीन के घर वालों को। वो सब गरीब हैं, दो दो तीन तीन मरले के घरों में रहने वाले लोग हैं, और उनमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं कि दो तीन मरले का घर भी उनका मिल्कियत ही नहीं है। इस मुल्क में हर रोज गुर्बत बिकती है, इस मुल्क में हर रोज गरीबों का खून बिकता है। इस धरती पे 75 साल हो गए, हम देखते हैं हर रोज कत्ल होते हैं, और मकतूल के वारिस इदारों से मायूस होकर कि इंसाफ नहीं मिलेगा, किसास नहीं मिलेगा, उनके लाडले चले गए, इंसाफ भी नहीं मिलेगा, मुकदमे लड़ने का पैसा भी नहीं, दबाव भी है, गुंडागर्दी भी है, खतरात भी हैं। हर रोज लाशें बेची जाती हैं, दियत के नाम पर खून बेचे जाते हैं। वो दियत नहीं होती, वो गरीबों की बेबसी होती है, वो गरीबों की बेकसी होती है, वो निजाम की बेहिसी होती है, कि चूंकि गरीब को कोई तहफ्फुज़ नहीं, गरीब के लिए कानून और इंसाफ नहीं, तो वो अपने लोगों के खून और लाशें बेचकर अपना अगला वक्त खामोशी से गुजारते हैं। पाकिस्तान की तारीख का पै क्या है कि शहीद होने वाले गरीब, बेबस, बेकस, कमजोर और कत्ल करने वाले वक्त के फिरौन, कत्ल करने वाले वक्त के कारून, इतने ताकतवर कि किसी और कबीले के पास उतनी ताकत नहीं, इतने मालदार हराम की दौलत लूटी हुई है, मालदार कि किसी और के पास इतना तंबक्कुल और इतना सरमाया नहीं। कारूनियत भी जमा है, फिरौनियत भी जमा है। उन्होंने हर मुमकिन गरीबों का खून खरीदने की, उनका जमीर खरीदने की कोशिश की, मगर अजीम हैं वो शहीद, अजीम थे और उनके बारे में अजीम तर हैं, जिन्होंने फिरौन की ताकत और कारून की दौलत पे लानत भेज दी, ठोकर मार दी, और वो बिके नहीं हैं और झुके नहीं हैं। मॉडल टाउन के शहीदों के खानदानों ने पाकिस्तान के अंदर गैरत की एक नई तारीख रकम कर दी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मॉडल टाउन के शहीदों के वारसों ने, गरीब घरानों ने इज्जत, हमीयत और गैरत की एक नई तारीख रकम कर दी है, और पाकिस्तान के 18 से 19 20 करोड़ आवाम को एक जिंदगी का नया सलीका सिखा दिया है कि अगर डर हो, दौलत हो मुकाबले में, कारून हो, फिरौन हो, इंसाफ न मिलने की तवक्को, तब भी जमीर न बेचो, जमीर न बेचो, गैरत न बेचो, हक के लिए लड़ते रहो, लड़ते लड़ते मर जाओ, खुदा के हाथ तुम्हें कामयाब डिक्लेयर किया जाएगा। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यह सबक पूरी कौम को सिखाया है, पूरी कौम के कमजोरों को किरदार दिया है। और आखिरी बात, आपको याद है दिसंबर 2012 में मीनार पाकिस्तान का जलसा, मैंने आर्टिकल 62-63 पर खिताब किया था कि जब तक आर्टिकल 62 नाफिज नहीं होगा, इस पाकिस्तान के सियासी निजाम से गंद और करप्शन दूर नहीं होगी। फिर जनवरी 2013 में 5 दिन का धरना, लॉन्ग मार्च, आर्टिकल 62-63 का सबक पूरी कौम को पढ़ाया और सिखाया और याद कराया था। अल्लाह का शुक्र है, 4 साल बाद ही सही आज आर्टिकल 62 बोला है, उसको जुबान मिली है, उसका इजरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत साबिक नाअहल वजीर आजम को किक आउट करके जूते मार के इक्तदार से निकाल दिया। और आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब अगर इज्जत वाले लोग हों, शर्म और हया वाले लोग हों, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट जिसको बददियानत डिक्लेयर कर दे, बेईमान डिक्लेयर कर दे, करप्ट डिक्लेयर कर दे, सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच, एक जज ने भी इख्तलाफ नहीं किया, आपको डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया है, झूठा कहा है, धोखेबाज कहा है, नाअहल करार दिया है, बददियानती पर, कोई तौहीन अदालत के नोटिस पर नहीं,
जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया था, वो तौहीन अदालत पर किया था, आपको नाअहल किया है झूठ लूट मार बेईमानी और बदयानती पर। इंसान को चाहिए कि जब इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दे तो थोड़े शर्म के साथ घर बैठ जाए, सोचे शर्म के साथ घर बैठे और सोचे गौर करे कि क्या क्या करतूत किए हैं हमने। बंदा आपको चंद महीने शर्म ही करता है, मगर बेहिसी और बेसमझी की इतनी इंतहा है कि अब आप ललकारते हुए सड़कों पर आ रहे हैं, आप जीटी रोड पर एहतजाज करना चाहते। हमने तो एहतजाज किया था जीटी रोड पर, लॉन्ग मार्च किया था एक निजाम के खिलाफ, हमने एहतजाज किया था 2014 में आपके खिलाफ। आप बताएं आप जीटी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं, नाम लें। मैं सवाल छोड़े जा, नाम लें, अगर आप में जुर्रत है नाम लें, किसके खिलाफ नाम लें। हमें इल्म है कि आप वही शख्स हैं जिन्होंने 90s में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था, सुप्रीम कोर्ट के दो टुकड़े कर दिए थे, उस वक्त खुलकर आपने काम किया था। अब आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं, मेरा सवाल है, नाम लें उस इदारे का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मरकज में आपकी हुकूमत, आप ही का दोबारा लाया हुआ वजीर आजम, पंजाब में आपकी हुकूमत, इस्लामाबाद पिंडी से लेके लाहौर तक आपकी हुकूमत, एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं, नाम बताओ। कौन को पता चले किसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। और अगर आप नहीं बोलते हम समझेंगे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है, हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत है, हम बोलेंगे पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बगावत है। फैसले किसी और के खिलाफ आए तो आप बगलें बजाते हैं। अब सारी सुप्रीम कोर्ट ने आपको करप्ट और बदयानत डिक्लेयर कर दिया है, अब आप साजिशें तलाश करते हैं। अगर जरूरत है तो आज ही मैं उतरा हूं और मैं इधर हूं, अब मैं इधर हूं, मैंने इंसाफ लेना है, मैंने किसाफ लेना है, चोर पकड़ा गया है, कातिल अभी रहता है, पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे, चोर पकड़ा गया है, कातिल रहता है। जवाब दो कि ये एहतजाज किसके खिलाफ है, ईमानदारी से जुरत से बात करो, डरते क्यों, डरे नहीं, जुरत से बात करें। और ये जीटी रोड की जमात, जीटी रोड की, जीटी रोड में ही दफन होगी इंशाअल्लाह। माल रोड पर नासिर बाग में चल के मैं बकाया गुफ्तगु करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो कि एयरपोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे कारकुनान से और मीडिया से, और एक सवाल भी रख छोड़ा उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कि हमने तो जीटी रोड पर एहतजाज किया था आपके खिलाफ, आप बताएं कि आप जीटी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं, आपको नाम लेना पड़ेगा, अगर आप नाम नहीं लेते तो हम समझेंगे कि आप मुल्की सालमियत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आइंदा का लहे अमल क्या होगा, अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये नासिर बाग माल रोड पर वहाँ पर ऐलान करेंगे जहाँ पर आज जलसा होगा और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद को भी वहाँ पर बुलाया गया है और साथ ही साथ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी वहाँ पर बुलाए गए हैं।